हे एवरीवन, आप देख सकते हैं मैंने अभी हेयर वॉश करके आया है। मेरे बालों को कितने सिल्की शाइनिंग स्मूथ लग रहे हैं, कितने शाइन कर रहे हैं। तो आज मैं आप लोग से कुछ दो ऐसा टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिससे आपके बाल कलर भी हो जाएंगे नेचुरल तरीक़ा से, आपको कोई मार्केट का हेयर ड्राई यूज़ नहीं करना पड़ेगा अगर ये आप फॉलो करते हैं। तो इसे बनाना बहुत आसान है। सो वेलकम बैक टू माई चैनल ग्लो लक्स इंसान में आप सबका स्वागत है। तो उसके लिए आपको चाहिए एक बीट रूट, जिसे हम चुकंदर भी कहते हैं। बीट रूट चाहिए हमें, इसे आप अच्छी तरह से छील लो, उसका कट कर दो। आप चाहे तो आप इसे ऐसे कद्दूकस भी कर सकते हो और इसका रस निचोड़ के निकाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे आपको कद्दूकस करके भी देख रही हूँ और इसे पीस में कट करके भी दिखा रही हूँ। दोनों तरीका से आपको दिखा रही हूँ, जिस तरह से आपको लगे हेल्पफुल वो तरीका से आप करना। इस तरह से आप पीस में कट करके भी कर सकते हो, उसको ग्राइंड करके उसका जूस निकाल सकते हो। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने बीटरूट का जूस निकाल लिया, एक बॉल में रख लिया है उसे। आप चाहे तो आप छन्नी से या फिर आप एक कॉटन के हेल्प से भी निकाल सकते हैं। उसके बाद आपको चाहिए एक बॉल में बीटरूट, दो या तीन चम्मच आप बीटरूट जूस ले लो। उसके बाद आपको चाहिए आंवला पाउडर, यहाँ मैंने अब्स गुडनेस का आंवला पाउडर यूज किया है। दो से तीन चम्मच यहाँ पे मैंने लिया था आंवला पाउडर और उसे अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। इसके बाद एक और चीज़ चाहिए जो हमारे बालों को मॉइस्चराइज करने में बहुत हेल्प करेगा, हमारे बालों को ग्रोथ लाने में भी हेल्प करता है, मतलब शाइन लाने में भी हेल्प करता है, वो है एलोवेरा जेल। जी हाँ, यहाँ मैंने एलोवेरा जेल दिया है जो कि मैंने घर पर ही बनाया था। अब इसे मिक्स कर लेना है एक से दो स्पून लेके। चुकंदर का जूस जो है रस, वो क्यों कैसे काम आता है हमारे बालों के लिए? तो चुकंदर के रस में मुख्य रूप से विटामिन ए प्रोटीन पाए जाते हैं जो कि हमारे बालों की जड़ें मजबूत होती है और इसमें हेयर कलर भी अच्छी तरह से हो जाता है नेचुरली कलर से, अगर आप रेगुलर फॉलो करते हो तो। चुकंदर के का जो रस होता है बालों के नेचुरल कलर का कलर के तौर पे काम करता है। इसे लगाने से आपके बाल उम्र से परे सफ़ेद होने से बच सकते हैं। इसमें पाए जाने वाला जो केरेटोनाइड्स होता है, विटामिन्स होते हैं, बालों को सफ़ेद नहीं होने देता है। बीटरूट का रस लगाने से बालों में प्रकृति रूप से शाइन भी आता है और बाल काले भी होते हैं। जिनके बाल सफ़ेद हो चुके हैं वे ही इसे लगा सकते हैं, वो जिसके बाल सफ़ेद नहीं है वो भी इसे लगा सकते हैं। तो वो भी अच्छा, आपको नेचुरल कलर भी बालों में मिलेगा, बाल शाइन होंगे। तो स्कैल्प का ब्लड सर्कुलर बेहतर करता है चुकंदर, जिसके अगर आपके स्कैल्प का ब्लड सर्कुलर ठीक नहीं है तो भी आपके बाल पतले कमज़ोर होकर टूट सकते हैं। इसलिए स्कैल्प पर चुकंदर का रस मालिश करने से आपके स्कैल्प का ब्लड सर्कुलर सुधरता है। इसके लिए आपको इसे हमेशा इस तरह से यूज करना चाहिए, चाहे आप हेयर पैक बना के यूज करो या चाहे आप नेक्स्ट जो मैं बता रही हूँ बीटरूट विद शैम्पू वो भी आप यूज कर सकते हो। और पैक को आपको लगा के आधा घंटा छोड़ देना है। और इसमें मैंने शैम्पू और पानी मिक्स कर लिया पहले से, अब मैं इसे ऐड कर रही हूँ बीटरूट का रस, और उसे अच्छी तरह से मिला के आपको शैम्पू कर लेना है अच्छी तरह से। और जब जब आप शैम्पू लगा रहे हो तब तक आप बीटरूट का जूस उसमें ऐड कर सकते हो। इससे बाल में कलर भी आएगा, बाल का को शाइनिंग भी होगा बाल, और बाल के स्कैल्प भी ठीक होंगे। तो यहाँ मैंने हेयर वॉश कर लिया है, आप रिजल्ट देख सकते हो। मैंने शुरुआत में भी आपको हेयर वॉश करके रिजल्ट दिखा चुकी हूँ, बाल कितने शाइनिंग लग रहे हैं। तो आप ये रेगुलर फॉलो करोगे तो आपके बाल में कलर आ सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, डोंट फॉरगेट द बेल आइकन। जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और आप आके मेरी वीडियो देखो, लाइक करो, शेयर करो। तो इसी तरह से आपको हेयर वॉश कर लेना है नॉर्मल शैम्पू से। और बाय बाय, टेक केयर, बालों को हेल्दी रखना।